हाय फ्रेंड्स, दिस इज अवैस एंड वेलकम टू माय चैनल अवैस फ्री लर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा जरूर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर था और उसमें हम लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो चलिए, जो आज की जो हमारी वीडियो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगला पार्ट होने वाला है। तो चलिए, हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो। और फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन, कि अगर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ तो फिर वो आपके पास इंस्टेंटली पहुँच जाएगी। लेट्स गो। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले ही इस टिन कैन एक्सपेरिमेंट का ये कुछ डायग्राम्स है, डायग्राम वगैरह मैंने पहले से ही बना लिया है ताकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब देखिए बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट है जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसका नाम है क्रशिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट। और ये सवाल आप लोग को चार से पाँच नंबर का पूछ सकता है एग्जाम में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि राइट एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो इट्स क्रशिंग टिन कैन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि एक एम्प्टी थिन वॉल्ड कैन लेना है। थिन वॉल्ड यानी कि इसका जो दीवार है, जो वॉल्स है इसका, वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, जैसे कि आप लोग एक कोक का जो कैन आता है उस टाइप का। तो थिन वॉल टिन कैन आप लोग को लेना है इसमें एम्प्टी, और इसमें एयर टाइट कवर होना चाहिए। इसके माउथ पे लगाने के लिए एक एयर टाइट कवर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये जो एम्प्टी कैन है, हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर भी एयर है और आउटसाइड तो एयर है ही, खैर क्योंकि एटमॉस्फेयर तो हर जगह, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, अब वही डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं हम लोग। अब देखिए, चूंकि हवा तो हर जगह है, तो हवा इसके अंदर भी होगा और हवा इसके बाहर भी होगा, हम लोग जानते हैं अच्छे से। अब जो इस टिन कैन के अंदर जो एयर है बच्चों, वो पुश करता है कैन को अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए, अंदर से बाहर की तरफ ये पुश कर रहा है, और जो बाहर वाला जो हमारा एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ इसको पुश कर रहा है। अब चूंकि एयर प्रेशर जो वॉल्स पे एक्ट कर रहा है वो इक्वल और अपोजिट है, तो ये टिन कैन यहाँ पे अभी फर्स्ट केस में, ये पहला वाला केस है हमारा, इसमें हमारा टिन कैन जो है वो क्रश नहीं हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, हवा इसके अंदर भी है और हवा इस कैन के बाहर भी है, तो प्रेशर अंदर से भी एक्ट कर रहा है, अंदर से भी प्रेशर लग रहा है इस कैन के वॉल्स के ऊपर, और बाहर से भी इक्वल और अपोजिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ये टिन कैन जो है वो क्रश नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस। अब हम लोग करेंगे क्या बच्चों, इसमें इस टिन कैन को हाफ या फिर इतना फिल कर देंगे पानी से, जितना यहाँ पे हम लोगों ने फिल कर रखा है। जैसे ही हम लोग इसे वाटर से फिल करेंगे, तो नीचे हम लोग एक बर्नर का इस्तेमाल करेंगे, नीचे से फिर आग लगा देंगे बाय यूजिंग अ बर्नर। अब देखिए, फिर ये जो वाटर हम लोगों ने इसमें भरा है अभी कुछ देर पहले भरा है, ठीक है, ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जब ये वाटर जब ये बॉइल होता है बच्चों, तो ये स्टीम बनाएगा, और जब ये स्टीम बनाएगा तो स्टीम जो है वो इस कैन में से सारे जितना भी जो एयर था इस कैन के अंदर, जो बचा कुचा इस एरिया में जो एयर था, उसको भी ये स्टीम क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा, उस हवा को निकाल देगा, ताकि वाटर जो है वो, जब वाटर बॉइल होगा तो ये स्टीम में जब चेंज होने लगेगा पानी, तो इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होगा बच्चों, उसको वो इस कैन से निकाल देगा। अब इस कैन के अंदर कोई एयर नहीं बचा है और ये पूरा कैन जो है वो स्टीम से फिल हो चुका है, क्योंकि आफ्टरऑल ये सारा पानी जो है वो जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, सो देयर विल बी नो एयर प्रेशर इनसाइड दिस कैन। सो ये यहाँ पे अभी स्टीम का फॉर्मेशन हो चुका है, इसके अंदर कोई भी एयर प्रेशर इस कैन के अंदर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इधर से स्टीम प्रेशर एक्ट कर रहा है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से स्टीम प्रेशर, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर से स्टीम प्रेशर, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह से, ठीक है। ये आपका स्टीम प्रेशर है, ठीक है, ये स्टीम प्रेशर है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, तीसरे वाले केस में क्या करेंगे, जैसे ही ये पूरा कैन स्टीम से भर जाएगा, हम लोग इसके माउथ पे क्या करेंगे बच्चों, कि हम लोग इसके माउथ पे कॉर्क फिट कर देंगे एयर टाइट, जिससे कि हवा ना बाहर से अंदर आ सके ना अंदर का जो स्टीम है वो बाहर जा सके। और फिर हम लोग देन व्हाट विल डू, विल स्टॉप हीटिंग दिस कैन, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों कि इसमें कुछ ठंडा पानी डालेंगे, जब आप इस कैन को बंद कर देंगे, इसके अंदर स्टीम प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है अभी,
कोई भी एयर प्रेशर नहीं है, ये स्टीम प्रेशर क्रिएट हुआ है, एयर बाहर जा चुका है ऑलरेडी। तो जैसे ही आप नल चलाएंगे और ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे, फिर क्या होता है हम देखते हैं। हम देखेंगे बच्चों, जैसे ही इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो टिन जो है कोलैप्स करने लगेगा। ये देखिए, इधर से पिचक गया, इधर से पिचक गया, इधर से पिचक गया, ये इट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कोलैप्स करेगा बच्चों ये, क्योंकि इस पे लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है बाहर की तरफ से, विच इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये बाहर से जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, और चूंकि ये बहुत बड़ा फोर्स है एज कम्पेयर टू स्टीम प्रेशर, तो इस वजह से ये इसको क्रश कर देगा। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, कि जब वाटर बॉइल होता है, जब वाटर हम लोग यहाँ पे बॉइल कर रहे थे, तो स्टीम पैदा हो रहा था इसके अंदर। अब ये जो स्टीम प्रेशर है, ये एक्ट कर रहा था इसके वॉल्स पे, ठीक है, इसके अंदरूनी दीवार पे, अंदरूनी हिस्से पे, इसके वॉल्स पे ये स्टीम प्रेशर एक्ट कर रहा था, जो कि उस वक्त इस एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा था, और इस वजह से इस वाले केस में कैन क्रश नहीं हुआ था। पहले वाले केस में तो इसीलिए क्रश नहीं हुआ था क्योंकि अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जो एक दूसरे को अपोज कर रहा था, इक्वलाइज कर दे रहा था, इस वजह से ये कैन क्रश नहीं हो रहा था। दूसरे वाले केस में अंदर एयर प्रेशर तो नहीं था, लेकिन स्टीम प्रेशर था, चूंकि इस वजह से ये स्टीम प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वलाइज कर दे रहा था, जिसकी वजह से फिर से ये कैन क्रश नहीं हुआ था। लेकिन अभी इस केस में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है और अंदर का स्टीम प्रेशर जो है वो भी निकल चुका है। तो इस केस में क्या होगा, जब कैन को कूल किया जाएगा, इसके ऊपर ठंडा पानी, अब देखिए जब स्टीम बन जाता है तो ये ज्यादातर एयर जो है अंदर का पूरा जितना भी एयर होता है इस टिन के अंदर, वो ये स्टीम निकाल चुका है और अब हम लोग इसके ऊपर कॉर्क फिट कर चुके हैं बच्चों। अब जब आप इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो इसके अंदर जो स्टीम प्रेजेंट होगा वो कंडेंस होकर पानी बन जाएगा। अब जो इसके अंदर स्टीम प्रेशर भी क्रिएट हुआ हुआ था, जब आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, आप ऑलरेडी ये चीज अच्छे से जानते हैं कि बारिश कैसे होती है, तो ऊपर का एटमॉस्फेयर ठंडा रहता है जिसकी वजह से पानी कंडेंस होकर नीचे आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप ठंडा पानी डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो स्टीम प्रेशर क्रिएट हुआ है, अगेन द स्टीम विल चेंज इनटू वाटर, इट विल कंडेंस टू फॉर्म वाटर, ठीक है, वो कंडेंस होकर पानी में तब्दील हो जाएगा जो स्टीम है। और इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पे एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कैन के अंदर, इस कैन के अंदर एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी नीचे आपका पानी है और ऊपर आपका एयर नहीं है, यानी कि पार्शियल वैक्यूम है यहाँ इस एरिया में, आपका पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ना हवा है ना कुछ भी नहीं है। अब जो प्रेशर है कैन के अंदर वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, ना तो यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर है और ना ही यहाँ पर स्टीम प्रेशर है, यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है इस एरिया में। अब चूंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो चुका है बच्चों, ये एरिया का अंदर कैन के अंदर का प्रेशर बहुत कम हो चुका है, और बाहर का जो प्रेशर है जो इस कैन को अंदर की तरफ दबा रहा है, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो इस प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से जो है, चूंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस अंदर के प्रेशर से बहुत ज्यादा होगा, तो ये इसको क्रश कर देगा। ये बहुत इजी है समझना, क्योंकि अंदर बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये इधर से धकेल रहा है और ये प्रेशर जो भी हल्का फुल्का अंदर प्रेशर अगर बचा भी होगा तो वो अंदर से धकेल रहा होगा, वो बहुत छोटा प्रेशर है एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चूंकि बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से कैन जो है वो अंदर की तरफ क्रश होगा, इस वजह से बाहर की तरफ नहीं, वो अंदर की तरफ क्रश हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा बच्चों, और इससे हम लोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से इसे रब कर लेते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ कंसीक्वेंस के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए बच्चों, सीरिंज किस तरह से वर्क करता है। जब सीरिंज का जो नोजल है वो लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है और उसके पिस्टन को, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिस्टन है, जब उसको आप खींचेगा, विथड्रॉ कीजिएगा, तो जो अंदर का प्रेशर है, फिर वही सेम रीजन है बच्चों, अंदर का प्रेशर जैसे यहाँ पे कम हो गया था वैसे ही यहाँ पे भी आपका अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब चूंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जो कि इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इस सरफेस पे जो एक्ट कर रहा है, चूंकि यहाँ पर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो ये पुश करेगा उस लिक्विड को, जिसको भी आप सीरिंज के थ्रू खींच रहे हैं, कि वो उसके अंदर जाए और फिर लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस लिक्विड को पुश करेगा एंड लिक्विड विल अल्टीमेटली गो अप इनटू द सीरिंज, फिर वो लिक्विड इस सीरिंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक
प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं नेग्लिजिबल हो चुका है। तो इस वजह से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये उसको पुश करेगा, लिक्विड उसके अंदर चला जाएगा। तो दोनों का रीज़न लगभग लगभग सेम था बच्चों, इसे बिठा लेते हैं, समझते हैं हम लोग अपना अगला रीज़न। और ये अगला रीज़न भी समझने के लिए हम लोग को वी डोंट नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम लाइक दिस, ठीक है। ये तो मैंने दो डायग्राम हम लोग को बता दिया कि समझ में आ जाए अच्छे से। अब इस तरह से एक और सवाल आता है बच्चों को कि फाउंटेन पेन जो होता है आप देखते होंगे उसमें इंक बड़े आसानी से आप लोग इंक के अंदर फाउंटेन पेन डुबाते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो इंक भर जाता है, किस तरह से ये यहाँ पे क्या चीज़ है ऐसा जो काम कर रहा है जिसकी वजह से फाउंटेन पेन में इंक चला जाता है। अब देखिए आप लोग देखते होंगे बच्चों की फाउंटेन पेन में जो है एक रबर ट्यूब होता है, ठीक है। जब आप रबर ट्यूब को हल्का सा आप देखते हैं फाउंटेन पेन में इंक भरने के लिए आपको उस रबर ट्यूब को हल्का सा प्रेस करना पड़ता है। अब जैसे ही आप उस रबर ट्यूब को प्रेस करेंगे बच्चों तो जो एयर है ट्यूब के अंदर उस रबर ट्यूब के अंदर जो एयर है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो एयर बाहर निकल जाता है। अब चूंकि बाहर जिस इंक पॉट के अंदर जो आपका फाउंटेन है उसके सरफेस पे चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वो चूंकि वो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का प्रेशर रबर ट्यूब के अंदर का प्रेशर तो जा चुका है पूरा, तो इस वजह से जो वो ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द इंक वो पुश करेगा इंक को कि वो आपके फाउंटेन पेन के अंदर चला जाए, लगभग लगभग सेम रीजन है। अगला सवाल ये बच्चों की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं जैसे कि माउंटेन्स पे, और माउंटेनियर्स आप देखते होंगे सफ़र करते हैं अक्सर उनके नाक से जो है वो ब्लीडिंग होती है जब वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। तो अब यहाँ भी क्या होता है बच्चों हम लोग जानते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कल की क्लास में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आप जितना नीचे जाएंगे जितना गहराई में जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा ड्यू टू एयर कॉलम, क्योंकि नीचे गहराई में जाएंगे तो ज्यादा एयर कॉलम होगा जिसकी वजह से एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा बच्चों तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। आप याद रखिएगा कि एयर का जो डेंसिटी है इट वैरीज अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है, वो हाइट के साथ जो है वो वैरी करेगा, जितना ऊंचाई पे जाएंगे जितना ज्यादा एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे उतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब देखिए होता क्या है, चूंकि ऊंचाई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा होगा, जैसे ब्लड बह रहा है, कल भी मैंने आपके साथ ये रीजन एक शेयर किया था कि हम लोग की रगों में जो खून दौड़ रहा है जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो भी हम लोग के बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है, वो वेन्स में है वाटरीज में है ब्लड, तो बाहर की तरफ जो है वो प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से, और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि माउंटेन्स पे हाई एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। अब देखिए होता क्या है, चूंकि बाहर का प्रेशर जो कि हम लोग के अंदर के प्रेशर को बैलेंस कर रहा था इक्वल था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगभग बराबर था हम लोग के बॉडी के अंदर के प्रेशर से जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अब ऊंचाई पे जाने पे क्या हो रहा है कि चूंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम हो जा रहा है बहुत कम हो जा रहा है तो इस वजह से वो उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, जो हम लोग के बॉडी में जो ब्लड के वजह से जो प्रेशर है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाता है, वो कम पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है उस प्रेशर के सामने जो हम लोग के बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और इस वजह से हम लोग के नाक से जो है वो ब्लीडिंग हो जाता है क्योंकि बर्स्ट हो जाता है, उसमें से कुछ ब्लड वेसल जो है वो फट जाता है ज्यादा प्रेशर के कारण, यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू ब्लड है, ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि रबर सक्शन पैड किस तरह से काम करता है। अब देखते हैं कि रबर सक्शन पैड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए या फिर कैलेंडर्स को टांगने के लिए, आप देखेंगे उस रबर सक्शन पैड को वैसे दबाएंगे और वो दीवार में सट जाता है, तो ये किस तरह से काम करता है बच्चों। अब देखिए जब एक भींगा हुआ मॉइस्टेंट रबर सक्शन पैड जो होता है जब आप उसको दीवार पे ऐसे रख के जब आप उसको प्रेस करते हैं तो एयर जो होता है उसके अंदर से निकल जाता है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके अंदर का हवा जो है वो निकल जाता है। अब चूंकि हवा निकल जाता है बच्चों तो अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपने दबाया हवा निकल गया तो अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों वो रिड्यूस हो जाता है, और चूंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है तो वो सक्शन पैड को फर्मली फिक्स करके उस पर रखता है, क्योंकि बाहर से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा ग्रेटर प्रेशर है तो वो उसको दबाकर रखता है, और इसी तरीके पे इसी प्रिंसिपल पे आप बोल सकते हैं लिजार्ड्स भी वो दीवार पे चल सकता है क्योंकि
उसका जो फीट होता है लिजार्ड्स का, वो रबर सक्शन पैड की तरह काम करता है लिजार्ड्स का, इस वजह से वो लोग दीवार पे चल पाता है। लिजार्ड्स हुआ, स्क्वायरल्स हुआ, ये लोग दीवार पे चल पाता है बड़े आसानी से, क्योंकि ऊपर वाले ने उनका फीट ऐसा बनाया है कि इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ रबर सेक्शन पैड। अब देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि एक सवाल आप लोग को आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दो छेद किया जाता है या दो टू होल्स आर मेड इन अ सील्ड ऑयल टिन कैन। ठीक है, ऑयल टिन बोल सकते हैं आप लोग, कि जो तेल का जो हमारा टीन होता है उसमें दो छेद किया जाता है। भैया ऐसा क्यों किया जाता है उसे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, पहले इसे मिटाते हैं, उसे डायग्राम बना के समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सवाल ये है कि एक ऑयल टिन में दो होल क्यों किया जाता है, एक छेद यहाँ पे है ये तो ऑयल निकालने के लिए है, तो फिर ये दूसरा छेद क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने इसे बंद कर रखा है, एक अब हो सकते हैं ऐसा चीज इस्तेमाल करके इसे हमने क्लोज करके रखा है, और फिर जब ये तेल को निकालना होता है तो हम लोग इसको खोल देंगे। इसके पीछे रीजन क्या है बताता हूँ मैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि दो होल जो है वो ऑयल टिन में किया जाता है ताकि उससे आसानी से ऑयल को बाहर निकाला जा सके। तो आप सोचेगा इंसान कि आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे दो होल क्यों किया जाता है, एक होल से तो आसानी से तेल निकाला जा सकता था, तो फिर ये दूसरे होल की जरूरत क्या है। तो बच्चों इसके पीछे रीजन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है एक होल से, जिससे आपको तेल नहीं निकालना है, वहां से आपका हवा अंदर जा रहा है, जिसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो बाहर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इधर से पुश करता है ऑयल को, और इधर से जब वो पुश करेगा तो वो इस तरह से, जब ये बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, अंदर तो तेल भरा हुआ है, तो ये पुश करेगा ऑयल को, तो फिर ऑयल जो है इधर से बाहर आएगा। तो यही इसके पीछे रीजन था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज्यादा होता है तो वो एक होल से जब अंदर जाएगा सील टेन के अंदर, तो ऑयल जो है वो बड़ी ही आसानी से दूसरे वाले होल से बाहर आ पाएगा। तो यही रीजन था बच्चों इसके पीछे। आज का हम अपना वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, जो कि जिसमें हम लोगों ने आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड पांच रीजंस जो है, पांच या छह रीजंस हमने समझे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत अच्छा, जिसमें मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की बेहतरीन तरीके से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है, इट डज एग्जिस्ट। तो फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।